वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। मेरा नाम तलवीर सिंह है और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं एक टॉपिक पे जो डिस्कशन करने वाला हूँ उसके बारे में काफ़ी टाइम से बहुत सी क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सएप पे या कुछ फेसबुक के ग्रुप्स पे या मैंने अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिवाइज्ड रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं 2017 जो जैन में हुआ था, जैन 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिवाइज रिजल्ट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर कि इसके बारे में उनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम 2 नंबर से या 4 नंबर से क्लियर नहीं हो पाया, वो पूछ रहे थे कि सर इसका क्या इशू है, अब तक ये रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो गाइस आज मैं इसके बारे में आपके सारे कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसको देखने के बाद आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होगा अबाउट रिवाइज रिजल्ट वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वाई रिवाइज रिजल्ट। थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवाइज रिजल्ट होता क्या है या क्यों आता है। 2016 तक, जुलाई 2016 तक क्या होता था कि सीबीएसई की एग्ज़ाम जो होता था हमारा, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था, जैसे ही वो एग्ज़ाम होता था तो उसके 1-2 मंथ के बाद एक आंसर की आती थी, ठीक है जी। उस आंसर की में क्या होता था कि जो हमारे पेपर्स होते थे, जैसे 1, 2, 3 पेपर्स होते थे, उनके सभी के ऑफिशियल आंसर उसमें दिए होते थे और हमें ओएमआर शीट के साथ एक कार्बन कॉपी शीट भी मिलती थी। अब तो वो पिछले 1 साल से कार्बन कॉपी शीट है वो नहीं मिलती है, बट जुलाई 2016 तक वो मिलती थी ताकि हमें अपनी ओएमआर शीट की जो भी हमने टिक मार किया है, हमने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, हम उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आंसर की डाली रहती है उसके साथ मैच कर सकें, ठीक है जी। जब हम उसके साथ मैच करते थे तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता था कि हमारे मार्क्स किस से कहाँ तक हो सकते थे और वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता था, क्लियर है जी। बट उसमें क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर होते थे जो डाउटफुल होते थे, तो सीबीएसई क्या करता था, वो हमें बोलता था कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो 1000 फीस है और आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। तो बहुत से स्टूडेंट थे जो उस क्वेश्चन को, उस जो रॉन्ग आंसर दिया होता था उसको चैलेंज कर देते थे और उसके बाद उसका जो वेरिफिकेशन होती थी या करेक्टनेस होती थी वो उसके उसी रिजल्ट में नहीं आती थी। इसका मतलब जैसे आपने जुलाई के एग्जाम के लिए कोई आंसर है वो क्लेम कर दिया कि मेरा आंसर है ये, मेरी मार्कशीट में ये है और इसका जो आपने आंसर दिया है वो गलत दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जुलाई का रिजल्ट आएगा वो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो आंसर किया उसी के अकॉर्डिंग आया था, मतलब उस रिजल्ट पर आपके क्लेम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। बट उसके बाद क्या होता था, 1-2 मंथ के बाद वो सारे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि गलत थे या जिनको सीबीएसई ने करेक्ट किया था उनके अकॉर्डिंग आपका एक न्यू रिजल्ट आता था जिसे बोला जाता था रिवाइज रिजल्ट, ठीक है जी। तो इससे 2017 से पहले ये रिजल्ट आता था और उनकी वेबसाइट पर ये अपलोड होता था, बट जनवरी 2017 से ये रिजल्ट नहीं आया है। बहुत से स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं कि शायद 2017 का रिजल्ट है वो रिवाइज होके आएगा क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्क्स से या 4 मार्क्स से रह गया है कि शायद वो क्लियर हो जाए, वो इसी वेट में काफ़ी टाइम ले रहे हैं या उसका वेट कर रहे हैं। तो गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये सिस्टम है जो रिवाइज रिजल्ट का वो ख़त्म हो चुका है। इसका प्रूफ क्या है वो मैं आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ जनवरी 2017, ठीक है जी। ये जो लिखा हुआ है ये था जो 2017 का रिजल्ट था। उसके बाद क्या था,
यहां पर देखिए कंप्लीट रिजल्ट ऑफ जनवरी 2017, क्लियर है। पहला क्या है कि रिजल्ट ऑफ नेट जनवरी 2017, और यहां पर है कंप्लीट रिजल्ट ऑफ जनवरी 2017। अब यूजीसी ने या सीबीएसई ने क्या सिस्टम बनाया है कि जैसे पहले दो रिजल्ट आते थे, फर्स्ट वेरिफिकेशन से पहले और सेकंड वेरिफिकेशन के बाद, मतलब आपके जो क्लेम होते थे उसके बाद आता था उसे रिवाइज रिजल्ट बोलते थे, और जो उससे पहले आता था वो नॉर्मल रिजल्ट जो सभी के लिए होता है। बट अभी सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि ये दो रिजल्ट को उन्होंने खत्म कर दिया है और इनका एक ही रिजल्ट बना दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर कोई आंसर क्लेम किया है और सीबीएसई ने उसे करेक्ट किया है तो वो आपके इसी रिजल्ट में शो होगा। इसका मतलब जो पहले रिवाइज रिजल्ट आता था उसको खत्म करके सीबीएसई ने जो पहला रिजल्ट है उसी में करेक्टनेस करके देना शुरू कर दिया है, ताकि सीबीएसई को दो दो बार में ये सिस्टम अप्लाई ना करना पड़े और एक बार में ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको दे दिया जाए। और 2017 जनवरी से पहले सीबीएसई की साइट पर कभी भी किसी भी साल का कंप्लीट रिजल्ट नहीं डाला जाता था, क्योंकि कंप्लीट रिजल्ट तभी डाला जाता है जब सारे क्लेम्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब रिवाइज रिजल्ट नहीं आया है तो मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो आपका रिवाइज होके ही आया है। इसी तरह अगर हम इससे बाद में देखें तो कंप्लीट रिजल्ट ऑफ नवंबर 2017, यहां पर भी देखिए ये भी वही सिस्टम है। अगर आप सोच रहे हो कि 2017 नवंबर का रिवाइज रिजल्ट आएगा तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि जब जनवरी से ये रूल ही चेंज हो गया है, जब जनवरी का ही रिवाइज रिजल्ट नहीं आया है तो आप कैसे सोच सकते हो कि नवंबर का भी आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो गाइज अगर आप इस बात का वेट कर रहे हो कि आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा और शायद आपके 2 मार्क्स से या 4 मार्क्स से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको भूल जाएं, क्योंकि अगर अब तक रिजल्ट आना होता तो कब का आ जाता। 1 साल पूरा हो गया है जनवरी के एग्जाम को, इतनी देर नहीं लगती है रिजल्ट आने में, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हो तो प्लीज वेट मत कीजिए। अगर आप रियली में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो और मेहनत कीजिए और इस बार JRF को टारगेट बनाइए। अगर आप वेट करोगे तो उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है। तो ये कंप्लीट रिजल्ट शो करता है कि ये रिजल्ट है वो अब चेंज नहीं हो सकता। जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर रिजल्ट डाल दिया है वो डाल दिया है, अब इसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवाइज रिजल्ट ही है। आंसर की में जो आपने क्लेम किए थे, किसी क्वेश्चन के आंसर को आपने क्लेम किया था कि ये गलत है और उसका आपको राइट आंसर चाहिए था या उसके आपको मार्क्स चाहिए थे, तो वो ऑलरेडी आपके मार्क्स में ऐड होके ही मिले हैं। ये सिस्टम जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ है, ना तो जनवरी 2017 का रिजल्ट आया है जो रिवाइज होता है और ना ही नवंबर 2017 का। और अब कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई होप नहीं है कि सीबीएसई ऐसा कुछ रिजल्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की। फाइनल का क्या मतलब होता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, ये रिवाइज आंसर की ही है और इसके अकॉर्डिंग ही जो आपका कंप्लीट रिजल्ट बना है ये नवंबर 2017 का वो बना है। आई होप कि आपको अब रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया है कि रिवाइज रिजल्ट होता क्या है और ये क्यों आता था। अब भी रिवाइज रिजल्ट आता है बट वो आपके फाइनल रिजल्ट में ही ऐड होके आता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके क्लेम में सही पाए जाते हैं उनको सीबीएसई करेक्ट करके आपके नंबर्स में उसको उसका बेनिफिट आपको दे देता है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन था कि पता नहीं रिवाइज रिजल्ट आएगा और उनके 2 मार्क्स से या 4 मार्क्स से जो पेपर उनका रह गया है वो शायद क्लियर हो जाएगा। तो गाइस प्लीज वेट मत कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वैसे आज इनकी डिटेल नोटिफिकेशन भी आनी थी बट अभी तक आई नहीं है। जैसे ही इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में भी हम इसमें हमारे चैनल पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगेन आई एम सेइंग डोंट वेट फॉर रिवाइज रिजल्ट, अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करते रहिए। और इस बार आप नेट के लिए 2 नंबर से रह गए हैं बट ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि इस बार आप JRF क्लियर हो गए। ऑल द वेरी बेस्ट। सो गाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।